अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी और यह बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। इस तरीके से आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। चलो फिर इसे बनाते हैं। ये आधा किलो कद्दू को मैंने ग्रेट करके ली हूँ। इस तरीके का लाल कद्दू से हम हलवा बनाएंगे। इसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का मीठा होता है। ऐसे धोकर अच्छे से छील कर इसे इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के घी। कद्दू को हम घी में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम घिसा हुआ कद्दू डाल देंगे। घी में हम इसे अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे। इसे हम अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेंगे, इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसे भूनेंगे। कद्दू हल्का सा नरम हो चुका है। अब इसमें हम एक गिलास भरकर दूध ऐड करेंगे। ऐसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को हम अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो चुके हैं, कद्दू भी अच्छे से नरम हो चुका है। इसका सारा पानी सूखने तक हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। 100 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे इसमें। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और कद्दू में भी थोड़ी सी मिठास होती है, उस हिसाब से आप इसमें शक्कर ऐड करें। और शक्कर का पानी सूखने तक हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे। आप देख सकते हो कद्दू का अच्छे से पानी सूख चुका है। अब इसमें हम मावा ऐड करेंगे। इसमें मैंने 100 ग्राम मावा ऐड किया। मावा ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। कद्दू का पानी अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट भी आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हो इसमें। ये कद्दू का हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। इस तरीके से आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। अब इसमें हम वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। वेनिला एसेंस के बदले आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप वेनिला एसेंस ऐड करके एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। हलवे का टेस्ट ही एकदम चेंज हो जाता है इससे। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है अभी। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। आप इसे ठंडा कर कर के खा सकते हो या गर्म भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी है हलवा बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। बहुत ही झटपट से हलवा बनकर तैयार हो जाता है और यह हलवे का टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा ये हलवा। अब इसे हम सर्व करेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। Oh, 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 oh